हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं रियलमी 5 प्रो की अनबॉक्सिंग कराऊँ, जो कि वीडियो के एंड में आपको मैं फुल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आप मेरी सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों करते हैं रियलमी 5 की अनबॉक्सिंग। देखिए दोस्तों, बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें दिखाई देगा एक मैनुअल, जो कि फ़ोन के साथ में आता है। तो दोस्तों, जो फ़ोन के साथ में मैनुअल आता है, ये कंपनी वाले देते हैं ताकि फ़ोन को थोड़ा समझा जा सके, इसका सेटअप कैसे करते हैं, फ़ोन को ऑन कैसे करते हैं, फ़ोन का सेटअप कैसे कम्प्लीट करेंगे। तो दोस्तों, इसकी कोई खास ज़रूरत तो है नहीं, बाकी के साथ में कोई गाइड आई है तो इसकी भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं वीडियो के अंदर कम्प्लीट जानकारी इसकी दे दूँगा। इसके साथ में जो प्रोटेक्टिव कवर आया है, वीडियो के लास्ट में मैं फ़ोन के ऊपर लगा के दिखाऊँगा आपको कवर। तो दोस्तों, और इसके साथ में जो फ़ोन आया जिसकी हम बात करने वाले हैं, तो दोस्तों ये फ़ोन, इसका बहुत ही बेहतरीन लुक दिया गया, जो कि इसका कवर हटाने के बाद आपको दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, कवर हटाने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है फ़ोन, जो कि क्रिस्टल ग्रीन कलर है दोस्तों इसका। तो दोस्तों 6.3 इंच की डिस्प्ले दी गई है इसकी। बाकी साइड में दोस्तों इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं अदर फीचर्स की, जो कि इसके साथ में दिए गए हैं। पीछे वाला पैनल दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा दिया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा होगा आपको भी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इसको फ़ोन को हम ऑन करेंगे, जो कि इसका कंप्लीट सेटअप कंप्लीट करने के लिए इसको यहाँ से पावर बटन दबाए रखेंगे और ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसके चार्जर की। तो दोस्तों इसका वॉक का चार्जर दिया गया, जो कि बहुत ही फास्ट चार्जिंग करता है। तो बाकी दोस्तों इसके अंदर 4 एम्पियर का चार्जर है, बहुत ही फास्ट चार्जर करता है। तो मोबाइल को फास्ट चार्जिंग करने के लिए केवल हमें आधा घंटा चाहिए, बाकी इसका सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे और वाईफाई स्किप कर देंगे, ट्रेम एंड यूज कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों लोकेशन ऑफ करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं गूगल की, तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अब नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, फिंगरप्रिंट आपको यूज करनी है तो अभी कर सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं, बाद में भी यूज हो जाएगी ये। तो वाईफाई असिस्टेंट है दोस्तों, इसको कंटिन्यू करेंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट है तो इसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो इंपोर्ट डाटा करना चाहते हैं तो इंपोर्ट डाटा कर सकते हैं पुराने आईडी भरकर, या फिर नए फ़ोन से शुरुआत कर सकते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। तो ये इसके अंदर दोस्तों पहले से ऐप आई गई है, इसको कंटिन्यू कर देंगे। हमारा कंप्लीट सेटअप हो गया, वेलकम लिखा हुआ आ गया दोस्तों स्क्रीन पे। तो अब हम आगे देखेंगे इसके अंदर कैसे स्क्रीन काम करती है। तो देखो दोस्तों, 6.3 इंच की HD डिस्प्ले दी गई है। तो बाकी दोस्तों इसकी बात करते हैं अदर फीचर्स की। तो इसका दोस्तों कैमरा भी टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको अभी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी टच काम करी दोस्तों इसकी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी टच है इसकी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है टच में। तो बाकी दोस्तों इसका कैमरा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका कैमरा टेस्ट करके देखते हैं। एक स्क्रीन पे आ गया दोस्तों ये कैमरा ऑन करने के बाद, तो इसको कैप्चर कर लेंगे हम इमेज को। तो दोस्तों इसको जूम आउट और जूम इन करके दिखाऊंगा आपको मैं। तो देखिए दोस्तों, कितनी HD पिक आई है इसके अंदर जूम आउट और जूम इन करने के बाद, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही HD पिक आई इसके अंदर, जो कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, हाई अल्ट्रा क्वालिटी दोस्तों इस कैमरा के अंदर। तो बाकी दोस्तों इसका मैं सेल्फी कैमरा टेस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये सेल्फी पिक ली गई है, जो कि जूम आउट और जूम इन करने के बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही HD पिक आई है दोस्तों। 16 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छा दिया गया। कैमरे में इसको दोस्तों कोई कमी नहीं है। बाकी दोस्तों इसकी स्क्रीन भी बहुत अच्छी दी गई, 6.3 इंच की लार्ज डिस्प्ले, HD डिस्प्ले दोस्तों। तो बाकी इसकी बात करते हैं इसके अंदर अदर एसेसरीज क्या क्या आई है। तो दोस्तों इसके अंदर अदर एसेसरीज आई है, एक सिम स्लॉट निकालने की जगह दी गई दोस्तों, इसके साथ एक पिन आई है। तो दोस्तों इस पिन का यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इस पिन को यहाँ से डालेंगे और इसको इंसर्ट कर लेंगे, सिम डालने की जगह दोस्तों है। तो यहाँ पर सिम 1, सिम 2 और मेमोरी कार्ड का जगह दिया गया इसके अंदर। तो दोस्तों ये था इसका सिम स्लॉट, जो कि बहुत ही अच्छी तरह निकलता और डलता है इसके अंदर पिन की हेल्प से। तो दोस्तों इसके साथ में जो वॉक चार्जर है, उसके साथ में USB केबल है, जो कि 3.0 बहुत ही फास्ट चार्जिंग केबल है। ये दोस्तों सी टाइप है, मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। तो देखो दोस्तों, फ़ोन के अंदर लगा के देखते हैं सी टाइप। तो दोस्तों सी टाइप लगाने के बाद
हम कौन सी साइड से भी इसको लगा सकते हैं दोस्तों, उसी को सी टाइप बोलते हैं। दूसरी साइड से लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये सी टाइप डाटा केबल जो कि बहुत ही अच्छी लेंथ में दी गई है। बाकी दोस्तों इसकी बात करते हैं बैक पैनल की। बैक पैनल में क्वाड कैमरा दिए गए हैं जो कि 48 मेगापिक्सल के साथ विद फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो दोस्तों इसके साथ में और क्या क्या है, ये पावर बटन है और ये फिंगरप्रिंट सेंसर जो बहुत ही अच्छा काम करता है। ये सिम स्लॉट जो मैंने आपको बताया था, ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन, 3.5mm जैक, माइक, USB और लाउडस्पीकर। तो दोस्तों ये थी इस फ़ोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। बाकी दोस्तों इसकी बात करते हैं जो कि मैंने आपको कवर के बारे में बताया था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कवर दिया गया, इसको प्रोटेक्ट रखेगा और ट्रांसपेरेंट कवर है जो कि इसका बैक पैनल भी दिखाई दे रहा हमें। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया, ये थी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग रियलमी 5 की आपको कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसकी जो मेन स्पेसिफिकेशन है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये रियलमी 5 जो फ़ोन है इसका क्वाड कैमरा दिया गया जो कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि विद फ्लैश के साथ 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिखाई दे रहा है आपको। तो दोस्तों इसका जो सेल्फी कैमरा दिया गया है ये 16 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि ठीक ठाक है। बाकी दोस्तों इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं जो कि फुल HD डिस्प्ले, 6.3 इंच की डिस्प्ले दी गई है दोस्तों इसकी। तो दोस्तों फुल HD डिस्प्ले दी गई इसकी 6.3 इंच की। तो बाकी इसकी बैटरी की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी बैटरी 4035 mAh की दी गई है। और बाकी इसकी बात करते हैं चार्जर की, तो चार्जर दोस्तों इसका वॉक चार्जर दिया गया जो कि बहुत ही फास्ट है दोस्तों। 3.0 USB चार्जर दिया गया जो कि बहुत ही फास्ट चार्जर आज तक का, तो बहुत ही फास्ट चार्जिंग करता है दोस्तों। ये 4035 mAh की जो बैटरी है वो कम से कम आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इसकी फुल स्पेसिफिकेशन। तो वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।